महाराज के थाने में भरी लोकल ट्रेन में 17 साल की लड़की के प्रेमी ने किया अपहरण, पुलिस लड़की की तलाश में जुटी। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दिवाली का बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे एक महीने की सैलरी के बराबर पैसे। तेज धूप ने किया था परेशान, अब उमस ने बढ़ाई बेचैनी, अगले दो दिनों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की अनुमान। महाराज के थाने में नाबालिग से हुई दरिंदगी, रेलवे की पटरियों पर बुलाकर 7 लोगों ने नाबालिग से किया रेप, 4 लोग हुए गिरफ्तार। बांद्रा और गोरेगांव स्टेशन के बीच छठी लाइन के काम के लिए 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहेगा मेगा ब्लॉक, यात्रियों को असुविधा का करना पड़ेगा सामना। मुंबई से थाने का सफर होगा आसान, मुलुंड से गोटबंदर के बीच शुरू होगी मेट्रो। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल 2024 में हो जाएगा तैयार, पालघर में 61,000 करोड़ से बनेगा पोर्ट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तेज रफ्तार ऑटो ने मारी बुजुर्ग को टक्कर, घटना सीसीटीवी में कैद, बुजुर्ग को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई में गोवंडी में ऑनर किलिंग का मामला है सामने, बेटी ने दूसरे धर्म के लड़के से की शादी तो पिता और भाई ने कर दी दोनों की हत्या। मुंबई में टैक्सी ऑटो रिक्शा और कैब यूनियन की कल मुंबई एयरपोर्ट पर होगी धरना, बेहतर पार्किंग सुविधा और किराए में बढ़ोतरी की है मांग। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में टोइंग वैन ने मारी वाहनों को ठोकर, टोइंग वैन की चपेट में आने से वाहन चालक हुए जख्मी। शिवतीर्थ के लिए आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं, दशहरा मिलन समारोह के लिए आयोजित बैठक में एकनाथ शिंदे ने लिया फैसला। मुंबई में बारिश के बाद संभावित साइक्लोन तूफान का संकेत, कई इलाकों में रात का तापमान 22 से 23 सेल्सियस गिरने की संभावना। नागपुर में स्वाइन फ्लू से 4 लोगों की हुई मौत, स्वास्थ्य प्रशासन ने स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखते ही इलाज के लिए अस्पताल आने की अपील। 20 रुपए में 1 लाख का बीमा, छात्रों के लिए सिंधे सरकार का बड़ा ऐलान। अगर आरक्षण नहीं देना था तो 40 दिन क्यों लगा दिए, मनोज अरांगे पाटिल ने सरकार से किया सवाल। मुंबई करों के लिए चिंताजनक खबर, शहरों में बढ़ रहा है मलेरिया डेंगू बुखार, रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी। दिल्ली से भी खराब हुई मुंबई की हवा, प्रदूषण तत्व जमा होने से हवा हुई खराब। राहुल नार्वेकर अपनी पर्सनल लॉ प्रैक्टिस चला रहे हैं, संजय राउत ने की आलोचना। दशहरे पर सोने चांदी की कीमत में गिरावट, सोने की कीमत में 160 रुपए की गिरावट, वहीं चांदी की कीमत में 500 रुपए की हुई गिरावट।